सो गाइस फाइनली यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी थी वो आ चुकी है। लगभग 60,000 ज्यादा पोस्टें आई हुई हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होने वाली। चलिए इसके बारे में डिटेल हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रतन राज और उसी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेशन पर मिलती रहे। सो गाइस, चलिए हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इसके बारे में जानकारी देते हैं। सो गाइस, फाइनली अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं www.sarkarijail.com, या आप यूपीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसको भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइस, हम सिंपली sarkarijail.com को सर्च कर लेते हैं। गाइस, जैसे हम इसको सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे जो सरकारी जेल का पेज है ओपन हो जाएगा। फ्रेंड, जैसे यहाँ पेज ओपन होगा, सबसे पहले हमको यहाँ इस लिंक पर क्लिक करना होगा इसके पेज पे जाने के लिए। गाइस, जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे sarkarijail.com का जो पेज है ओपन हो चुका है। सो गाइस, जैसे यहाँ पेज ओपन होता है, हमको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। सो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। सो गाइस, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको डिटेल बताते हैं इसके बारे में। सो गाइस, हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23 तारीख, मतलब आज से ही जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, जो इसका एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगा। मतलब आप इसके फॉर्म को 27 दिसंबर 2023 से भर सकते हैं। इसका जो लास्ट यहाँ पे डेट होगा फॉर्म भरने के लिए 16 जनवरी होगा। सो गाइस, जैसे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, हम आप लोग को वीडियो दे देंगे कि आप इस पे कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। और गाइस, देखिए जो इसका एग्जाम फीस है उसको भी आपको 16 जनवरी तक ही पेमेंट कर देना होगा, जो लास्ट डेट होगी 16 जनवरी ही होगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ करेक्शन लास्ट डेट है 18 जनवरी दिखाई दे रहा है, और जो एग्जाम का डेट है फरवरी में, मतलब फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, और जिसका एडमिट कार्ड है एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ देखिए जनरल ओबीसी एसटी एसटी के लिए सभी के लिए 400 यहाँ पे फीस आपको पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, स्क्रॉल करके जैसे हम और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम एज दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जो मिनिमम एज है 18 साल है, जो मैक्सिमम एज है 22 साल है, और जो फीमेल है उनकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ 25 साल दिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे आपको कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके लिए यहाँ देखिए आपको गाइडलाइंस पढ़ लेना होगा, यूपीपी जो यहाँ 2023 का रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सो यहाँ मैं आपको पहले बता दिया हूँ 60,244 पोस्टें हैं, उसका देखिए यहाँ 10+2 इसमें आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है, मतलब आपके पास क्लास 12th होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ सारे पोस्ट आपको दिखाई दे देंगे। सो आप सिंपली कैटेगरी वाइज भी यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। सो यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दिए हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ हम हाइट चेस्ट एंड रनिंग की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी एसटी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, जो चेस्ट है 79-84 सेंटीमीटर होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है, जैसे कि 160 हाइट और यहाँ चेस्ट यहाँ पे 77-82 दिया गया है, और जिसकी रनिंग है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट में आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना होगा। और गाइस, देखिए यहाँ फीमेल के लिए कुछ अलग से दिया गया, जैसे कि यहाँ पे इनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर चाहिए, और जो यहाँ पे इनकी रनिंग है 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, मतलब कि इनको लगभग 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। सो गाइस, जैसे स्क्रॉल करके हम और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये 27 तारीख से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, जैसे यहाँ पे अप्लाई होगा हम एक वीडियो लेकर आ जाए 27 तारीख को, और आप बिल्कुल आसानी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि जैसे मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी काफी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, जानकारी कैसे लगेगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।